गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज 14.1 डिस्कस किया था। बच्चों ने कुछ डाउट्स पूछे हैं, वो पहले दो कंफ्यूजन दूर करता हूँ। दो कंफ्यूजन पूछे हैं। एक पूछा है आपने टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 14.1 में सम नंबर 7, जिसमें टू टाइम्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दी गई है 9 एंड 9। तो कंफ्यूजन बराबर है कि सर दो बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आए तो हमको एज्यूमिंग किसको सिलेक्ट करने का, क्योंकि मैंने ऐसा समझाया है कि मिड वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज एज्यूमिंग। लेकिन अगर दो बार या तीन बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आए तो ये आपका सिलेक्शन रहता है, आप किसी को भी एज्यूमिंग सिलेक्ट कर सकते हो। से फॉर यहां पे दो बार 12 एंड 12 होता तो इसको एज्यूमिंग बोलूं या इसको एज्यूमिंग बोलूं, आपकी मर्जी। इसको भी आप एज्यूमिंग मिल सकते हो एक्सआई को, और इसको भी एज्यूमिंग मिल सकते हो, इज ऑन यू। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो बार अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दी गई है तो आपको किसको एज्यूमिंग बोलना चाहिए, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये सेकेंड एंड बड़ा कंफ्यूजन, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी, सी यानी क्लास लेंथ, और सी मतलब डिफरेंस ऑफ दिस टू बाउंड्रीज। और यहां पे तो अलग अलग है, यहां पे 6 है, यहां पे 4, 6, 8 एंड 10, तो किसको क्लास लेंथ ले। तो इस सम में ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, इस समय आपको अप्लाई करना पड़ेगा यूनिवर्सल मेथड एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। ये यूनिवर्सल है, स्टैटिस्टिक के मीन फाइंड करने के सब सम में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन समटाइम ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते। अगर आपको ये कन्वीनियंट होती है मेथड, अगर आप ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी अप्लाई नहीं करना सकते, ओके फाइन, आप ही मेथड अप्लाई कर सकते हो। सेकंड स्टेप, हम हमेशा मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स आई, 0 प्लस 6, 6 बाय 2, 3। अब देखो बेटा, मुझे हर एक में मिड वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि इसकी क्लास लेंथ सेम नहीं है। 16 by 2, 8, 24 by 2, 12, 34 by 2, 17, 48 by 2, 24, 30 plus 20, 50, 50 plus 66 by 2, 33, 78 by 2, 39। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड करते थे, DI और FIDI। लेकिन यहां पे आपको क्या डायरेक्ट फाइंड कर लेने का, FIXI यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 11 3 are 33, 10 8 are 80, 84, 68, 96, 99 and 39। इसमें DI FIDI नहीं आएगा। अब इसका एडिशन करूंगा तो n मिलेगा, राइट? ओके, 1 plus 7 8 plus 4 12 plus 4 16 plus 3 19 plus 1 22, 3 4, n equal to 40। FIXI का एडिशन करूंगा तो सिग्मा FIXI मिलेगा, 3 plus 9, sorry, 3 plus 4, 7, 7 plus 8, 15, 15 plus 6, 21, 30, 39, 3, 3 plus 3, 6, 14, 22, 28, 37, 46 and 49, 499। So 4999 divided by 40। चलो 499 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 4 19, 4 4 16, 39, 4 9 3, 4 7 28, 4 5 20। सो 149.75 आपने 4 से डिवाइड किया, 10 बाकी है, so 14.975 is the answer of mean। clear? तो 14.1 में हमने total कितने type के sum discuss किए? दो type के sum discuss किए। type one class length same होता है, a plus sigma fidi upon n into c apply कर दो और answer find out कर दो। type two
अगर दो बार मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दो बार फ्रीक्वेंसी सेम आती है तो किसी भी एक को आप एज्यूमिंग सेलेक्ट कर सकते हो। और तीसरा ये है यूनिवर्सल मेथड, आप मीन फाइंड करने का जितने भी अभी तक सम किए ना सब में ही अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप समझ सकते हो अगर मैं 100 टू 120 दूं तो 110 इसका मिड वैल्यू आएगा, तो काफी मल्टीप्लिकेशंस बड़े हो जाए, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, अदरवाइज यू कैन अप्लाई। सो ये था आपका कल का कंफ्यूजन, लास्ट लेक्चर का कंफ्यूजन कि सर ऐसा हो तो क्या करने का, 14.1 का सम नंबर 8 एंड सम नंबर 9। क्लियर, थैंक यू।